हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वाला वीडियो होने वाला है जो हमारे कैपिटल हॉल 7 है उसका जो ड्रैगन क्लेफ लेवल 2 है, तो उसको किप से 2 ही अटैक में क्लियर करना है। तो वाओ यार, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे आर्मी में हमारे पास आर्चर्स है, यानी बैटल रैम्प है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 ड्रैगन है उसको डाउन करवाना है। तो यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे आर्चर्स का पैक पहले ड्रैगन पे, फिर जैसे ड्रैगन बाहर आया तो हमने यहाँ पे एक साथ 4 आर्चर्स का पैक, यहाँ पे एक हम लोगों ने ड्रैगन को डिस्ट्रेक्ट करने के लिए एक बैटल रैम को डिप्लॉय कर दिया, तो वो वाला ड्रैगन खत्म हो गया। अब हमारा टारगेट है जो नीचे वाला ड्रैगन है उसको खत्म करना। तो यहाँ पे देख लो, मुझे बाय मिस्टेकली बैटल रैम छूट गए, मुझे वहाँ पे ड्रॉप करवाना था आर्चर्स को, बट कोई नहीं, स्टील चलो यहाँ पे हम लोग 3 यहाँ पे आर्चर्स को पे डिप्लॉय कर देंगे एंड देखें कि ये डाउन हो जाएगा। चलो नहीं हुआ, फिर से एक ड्रैगन को डिप्लॉय करेंगे एंड ये हो गया डाउन। तो चलो अब क्या करना है हमें, अब हमें जो एक्सपो एंड जो ये सिंगल टावर इन्फर्नो है, मेगा इन्फर्नो, तो उसको डाउन करवाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेंज इस तरीके से डाल दी ताकि दोनों ही उसकी रेंज में आ जाएं। यहाँ पे देख लो, अब क्या करेंगे कि एक बैटल रैम हमारे पास नहीं था क्योंकि हमने भाई वो नीचे गलती से छूट गए, तो हम लोग यहाँ पे आर्चर्स का यूज़ करके ही हमको वॉल्ट को ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे ब्लास्ट बो अभी जाने वाला है, ये ब्लास्ट बो खत्म हो गया। अभी यहाँ पे शायद आर्चर्स, चलो यहाँ पे लॉक हो गई वॉल पे। हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, देखेंगे कि ये डिस्ट्रॉय कर पाती है फिर नहीं। चलो हो गया फाइनली एंड अब लोग क्या कर, 6 आर्चर्स का पैक बचाएं। तो चलो यहाँ पे एक आ गया बॉम्ब टावर के ऊपर, एक यहाँ पे स्पीयर थ्रोर के ऊपर, दोनों स्प्लिट हो गई। चलो बॉम्ब टावर नहीं टूट पाया, यहाँ पे अभी भी थोड़ी देर लगेगी। चलो डायरेक्ट यहाँ पे बॉम्ब टावर भी टारगेट हो गया है। चलो बॉम्ब टावर अलग गया एंड यहाँ पे अभी देखो स्पीयर थ्रोर पे अगेन आ गई है। चलो एयर डिफेंस भी गया, स्पीड थ्रो भी गया एंड अब साइड से ये वाला सिंगल एयरफर पे आ सकती है। चलो यहाँ पे भी स्प्लिट होगी, नीचे का एयर डिफेंस को क्लियर करके वो यहाँ पे इन्फर्नो पे आएगी। एक और यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे मेगा इन्फर्नो पे आर्चर्स। चलो फाइनली ख़त्म हो गया एंड अभी अभी हमारे पास बची है सिर्फ एक ही यहाँ पे पैक। तो यहाँ पे चलो ये एयर बॉम्ब को निकाल लिया एंड क्या हम एक से यहाँ पे कितना यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं ये वाले ड्रैगन को। चलो 10% हो चुका है एंड यहाँ पे अब कुछ मतलब कि मिलेगा नहीं हमें एंड चलो 2 ड्रैगन मिल गए हमें, एक मेगा इन्फर्नो मिल गया, ब्लास्ट बो भी मिल गया। ये रहा सेकंड अटैक एंड सेकंड अटैक में हमने क्या किया था कि यहाँ पे सारे के सारे हॉक लिए थे, 5 हमने यहाँ पे आर्चर्स लिए थे क्योंकि भाई ये वाला ड्रैगन को सबसे पहले यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा वरना वो हमारे सारे के सारे हॉक्स को खा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को ड्रैगन को यहाँ पे जो आप एक्सेसिबल एरिया वहाँ तक बुलाना है जहाँ से आप लोग आर्चर्स को डिप्लॉय कर सको। तो यहाँ मैंने 2 पैक डाल दिए क्योंकि भाई चारों एक साथ डालता तो ड्रैगन का एक ही हिट पूरी की पूरी सारी आर्चर्स को मार देता, तो ये नहीं करवाना था। यहाँ पे देख लो, एक जो हमारे पास आर्चर्स थी वो डाल दिया एंड ख़त्म हो गया। एक अभी हमारे पास यहाँ पे बची आर्चर्स, तो उन लोगों को क्लीनिंग के ही यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सारे के सारे मैंने हॉक राइडर थे उसको स्पैम कर दिया इस तरीके से कुछ, ताकि सारे के सारे डिफेंस जो है वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी डाउन होने लगे। एंड देखो अभी हिल्स पेल थी तो वो मैंने नीचे की साइड डाल दी थी इस तरीके से, ताकि भाई सारे के सारे हॉक जो है ऊपर से क्लीनिंग करते नीचे की साइड आएंगे एंड नीचे की साइड भी हमें हॉक्स को जिंदा रखना ज़रूरी है, वरना भाई कुछ हिल्स बचेगी नहीं तो कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल सकती। तो ये हो गया एंड यहाँ पे देख लो अभी भी कितना ये स्पीयर थ्रोर को यहाँ पे इजीली निकल गया। नीचे की साइड बहुत ही दिक्कत आ सकती है क्योंकि भाई बॉम्ब टावर है, यहाँ पे बॉम्ब्स भी हो गए यहाँ पे स्प्लेस किए हुए। देखो यहाँ पे 2 बॉम्ब थे एंड डायरेक्टली वो हिल में आ गए, सारे के सारे हॉक जो है वो हिल हो गए। अगर यहाँ पे हिल नहीं डालते तो भाई सारे के सारे हॉक ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे 3 स्टार निकलना बहुत ही मुश्किल होता, 2-3 अटैक लग जाते भाई, 2 अटैक में तो हमने निकला है। तो चलो सारे के सारे डिफेंस यहाँ पे ख़त्म, ऊपर की साइड टाउन हॉल भी जाएगा, नीचे की साइड 2 बिल्डिंग बची है वो हॉक राइडर निकाल लेंगे। तो बस ये था पूरा वीडियो कि आप लोगों को कैसे सिर्फ 2 अटैक में ड्रैगन क्लेफ लेवल 2 को क्लियर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ मिसिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड पीस।